नमस्ते, जय हिंद साथियों। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का यदि आप परीक्षा दे के आए हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप नहीं भी दे के आए हैं तो आपका परिवार का भाई बहन, ठीक है, या कोई भी सदस्य दे के आया है तो उसे भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सुनने की कोशिश करें, हमारी बात को ध्यान से बताते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का पेपर हुआ है, ये कैसे लीक हुआ है, कैसे लीक नहीं हुआ है, सरकार इसके बारे में क्या करेगी, और आप परीक्षा दे के आए हैं तो क्या आप रनिंग की तैयारी करें आगे की न तैयारी करें, ये पूरा वीडियो 10 से 15 मिनट में सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। बाबू, चलिए पहला पॉइंट समझाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बातें लिखी गई है बाबू कि आरओ के बाद पुलिस भर्ती के पेपर लीक, मास्टरमाइंड के उगले हुए राज सुनिए बाबू। ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब क्या है बाबू कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया बाबू, उत्तर प्रदेश पुलिस का एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बहुत बेहतरीन काम करती है बाबू। इसने क्या किया बाबू कि लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया समझाते हैं इसके बारे में भी, और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पता है ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं बाबू, ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये सिर्फ मच्छर हैं, मच्छर हैं। इनसे बड़ी बड़ी मछलियां हैं बाबू, अभी और बहुत बड़ी बड़ी हैं, इससे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। हम आपको समझाते हैं कि मछलियां कौन है और मगरमच्छ कौन है। ये सब कुछ नहीं है बाबू, ऐसे पता है उत्तर प्रदेश में पता है 60,000 पद है, ऐसे पता है उसका होल स्क्वायर कर लीजिए, सोच इतने मास्टरमाइंड है नॉर्मल बाबू। समझाते हैं, पता है इनका मछली मतलब इनसे बड़ा और भी कुछ लोग हैं। क्यों, कैसे हैं समझा देते हैं। मैंने आपको बता रखा है बाबू ना कि पता है जो भी स्कूल हैं, जो भी स्कूल जैसे खास तौर से इंटर कॉलेज लीजिए या डिग्री कॉलेज रख लीजिए बाबू, डिग्री कॉलेज रखिए, ये सब जितने भी स्कूल होते हैं ये किसी नेता का, या वही नेता मंत्री बन चुका है, या अभी बाबू मंत्री रहकर उसने क्या किया है कि उसकी सरकार चली गई है तो हट गया है। लेकिन हाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, आप भी महसूस करिएगा बाबू, पता है जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसकी बात नहीं करते हम, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, लेकिन पता है सरकार ने क्या किया कि सेंटर को प्राइवेट स्कूल में भी बना देती है, और ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं किसी नेता या मंत्री के होते हैं। अब नेता या जब मंत्री के होते हैं बाबू, पता है ये भले किसी भी पार्टी के हो, पार्टी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन पता है जिसकी सरकार होती है उससे भी इस मंत्री का लिंक होता है। क्योंकि तो मालूम है आपको, पता होना चाहिए कि देखिएगा जब कहीं पर शादी विवाह होता है 1 लोगों का ना, तो जो भूतपूर्व विधायक होता है, भूतपूर्व सांसद होता है, तो उसके यहाँ सभी के सभी इकट्ठा हो जाते हैं, भले किसी भी पार्टी के हों, सब इकट्ठा हो जाते हैं। पता है पर्चे तो है ही, तो इन लोगों में साठ गांठ रहती हैं कि यदि मुझ पर कोई विपत्ति आएगी तो भाई तुम देख लेना, और जब तुम सत्ता में नहीं रहोगे तो हम देख लेंगे, ये सब चलता रहता है बाबू। अब ये क्या करते हैं बाबू कि ये थोड़े से पैसे कमाने के लालच में जो मेहनत करने वाले बच्चे बच्चियां हैं, जो उम्मीद लगाए रहते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। और ये सब क्या करते हैं, छोटे छोटे जो मच्छर हैं बाबू, ये सीधा इनसे संपर्क कर लेते हैं स्कूल वालों से, और स्कूल वाला सीधा टारगेट बनाता है, जैसे 12वीं की परीक्षा देने जाइए या हाई स्कूल की परीक्षा देने जाइए, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि जिसको नकल करना है पूरा पेपर का 3,000 देना है, इस पेपर को बस सॉल्व करना है तुम्हें तो 1,000 देना पड़ेगा, और जो पैसा देता है उसको स्पेशल अलग से कमरे में लेके चले जाते हैं। ये जानकारी सबको है, पुलिस प्रशासन को भी रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन करे तो करे क्या, उनके भी हाथ को बांध दिया जाता है।
और पुलिस प्रशासन बस यहीं तक पहुंच पाती है, यहां नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा जो उड़ाका दल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग भी पहुंचते हैं, तो उसका भी बस एक ही टारगेट होता है कि यार पैसा तो तुम करो, कौन कि मेरा नुकसान हो रहा है। सोचिए तो उड़ाका दल भी ये काम करता है, अजीबो गरीब है बाबू। ठीक है, अब इनसे तो ठीक है, इनसे बड़ा जो मगरमच्छ है ये, जिसकी सरकार होती है, मंत्रिमंडल में बैठा हुआ मंत्री होता है सबसे बड़ा मगरमच्छ। क्यों? क्योंकि उसके यहां जिलाधिकारी हो। सोचिए सांसद की बात कर रहे हैं हम, विधायक की बात कर रहे हैं हम, उनके यहां जिला अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, बाबू सलाम ठोकते हैं, क्योंकि बाबू जो वर्दी होती है बाबू ना, रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन रक्षा नहीं होता है, नेताओं का रक्षा होता है। क्योंकि नेता डायरेक्ट कहता है कि हम जनता का सेवक हैं और आप जनता के नौकर हैं, तो हम आपसे बड़े हैं। तो बेचारा पुलिस प्रशासन भी हाथ जोड़ लेती कि ठीक है ठीक है ठीक है मालिक, ठीक है मालिक। पुलिस प्रशासन के भी हाथ बंधे होते हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंत्री जी का बात है। तो मेन यही है बाबू, यदि जांच होती है, अच्छे से जांच होती है, तो मैं लिखित रूप से गारंटी दे देता हूं कि इन्हीं लोगों का हाथ है। और ये सब तो डायरेक्ट कहते हैं बाबू, पैसा तो नौकरी ले लो। और यदि आप कमजोर हैं परिवार से, चलिए कुछ आगे की बात करते हैं, उससे पहले हम ये दिखा देते हैं आपको। देखिए ये पत्रकार है भाई, कह रहे हैं कि इस बार पेपर लीक हुआ, लेकिन सभी बड़े विधायक मंत्री और बड़े सांसदों के विद्यालय से हुआ। देखिए ये डायरेक्ट बोल रहे हैं, और वही बात मैंने तो बता ही रखा है बाबू। अब उनके ही साथ रिश्तेदारों के बच्चों के लिए हुआ, इसलिए पेपर लीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सब समाज सेवा है। इतना अच्छा बात कह रहे हैं, समाज सेवा है, अजीबो गरीब है। फिर आगे देखे, भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से कराई जाएगी। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, सब है अच्छा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर भर्ती निरस्त होगी क्या? नहीं बाबू, निरस्त नहीं होगी, क्योंकि मेन यहाँ पर जो मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया है, पैसा ले लिया है, और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आपको पता होना चाहिए मित्र, एक उम्मीद होती है छोटे परिवार से, मध्यम परिवार से, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो बाबू, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी हो बाबू, सबकी एक उम्मीद होती है। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, सिर्फ भारत में 4% लोग अमीर हैं और लगभग 90% लोग मध्यम वर्ग के आते हैं, और सिर्फ बाबू 5 से 6% जो होते हैं, बहुत स्थिति बहुत खराब है, मतलब उनको 2 दिन 4 दिन पर 1 दिन पर खाना मिल जाता है। लेकिन 90% लोग पता है मध्यम वर्ग के हैं, और 90% के लड़के लड़कियां घर के ही बाबू तैयारी करते हैं कंपटीशन का, और एक उम्मीद होती है। उम्मीद पे देखिए क्या बातें हैं, देखिए ये आलम, देखिए ये सोची, ये देखिए आलम, बच्चे भर भर के स्टेशन पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं ट्रेन आएगी। सोचिए 60,000 की बस नौकरी थी, 50 लाख लोगों ने फार्म भरा, 50 लाख लोगों ने फार्म भरा। एक उम्मीद है कि हम भी देश सेवा करेंगे, खाकी में आएंगे, और बहुत से बच्चे तो अपने घर से वादा भी कर दिए हैं कि इस बार हमें वर्दी जरूर मिल जाएगी। देखिए इस बार वर्दी हमें जरूर मिल जाएगी। देखिए न्यूज पर क्या चल रहा है, बच्चों के बारे में कुछ नहीं चल रहा, ये चल रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ, इनके लड़के हैं नकुलनाथ, को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। हद है यार, 50 लाख बच्चे नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ और इनका लड़का नकुलनाथ। और ये नकुलनाथ कौन है, तो इनका लड़का है। क्यों लड़का है? क्योंकि कमलनाथ की एज अब हो चुकी है, ये खत्म होने वाले हैं, मतलब समय खत्म है इनका। तो ये अपने लड़के के चक्कर में बाबू एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है।
लेकिन 50 लाख, पता है, बच्चे ने जो फार्म भरा है, इनके घर वालों की उम्मीदें यार ये नहीं दिखाई दे रही है। एक माँ बाप, पता है, एक बाप फटी धोती पर अपना जीवन निर्वाह करता है और सोचता है कि मेरा लड़का एक दिन कामयाब होगा, मेरी बच्ची एक दिन कामयाब होगी, लेकिन चल क्या रहा है आपके सामने है, क्योंकि इन लोगों को बता दिया गया है, शाम को ही तय हो जाता है कि अगला दिन तुम्हें टीवी पर क्या दिखाना है न्यूज में। अब आगे की बात देखिए, आगे की बात यहां देखें, सिपाही भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई यूपी प्रशासन ने कैसे पकड़ा। बाबू, इसमें दिखाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक खुद कैंडिडेट था और एक पीएससी का कैंडिडेट था, ये दोनों मास्टरमाइंड। बाबू, सीधी सी बात मैंने आपको बताया ना बाबू, पता है, जला हुआ जंगल छुप कर रोता रहा, क्यों? क्योंकि पता है, जलने से पहले देखा, पता है, माचिस की जो तीली तीना लकड़ी की ही बनी थी, जब तक अपने न मिले हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अब ये तो एक पुलिस थे और एक पीएससी था, लेकिन बाबू इन लोगों का बस मात्र योगदान रहता है इसमें, लेकिन सबसे बड़ा मगरमच्छ वही सांसद विधायक है बाबू, सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, इन्हीं के चलते सब होता है। ये एग्जाम का आलम फिर से देखें, बच्चे उम्मीद लगाए हैं, रात रात भर स्टेशन पर बैठकर सोते हैं, कहीं इधर सोना है कहीं इधर सोना है, उसी में आरपीएफ वाले आ जाते हैं, गाली देते हैं, भागना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, उन लोगों का अधिकार है कि स्टेशन पर मत सोइए, जाइए उधर, लेकिन पता है, एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि पहले से ही इंतजाम कर दिया। जैसे एक नेता, एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो पता है, उसका पहले से ही इंतजाम कर दिया जाता है कि कौन से होटल में कितना देर रुकेगा, क्या खाएगा, सब कुछ। लेकिन एक विद्यार्थी जब घर से निकलता है ना, पता है, घर वाले पराठा भुजिया दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, किलो रास्ते में खा लेना, इतनी खतरनाक दर्दनाक स्थिति होती है। सोच लीजिए, जीवन में बेरोजगार होना कितना कठिन है बाबू, पता है, जमीन गाली देती है, आसमान थूकता है एक बेरोजगार लड़के लड़की पर। ठीक है, अब आगे की बात देख लीजिए बाबू, ये चित्र मैंने आपको दिखाया है एक बच्चे का, ये देखें, कह रहा है कि हम लोग कितने रातें जागे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, जब सब ठंड में सो रहे थे तब हम सब पढ़ाई कर रहे थे, आज बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। सोचिए बाबू, कितना मेहनत करे बच्चा, बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया यार, जो इस वर्दी में खाकी में आया होगा ना, उससे पूछिएगा कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती है, कितना लोगों का ताना सुनना पड़ता है। सोच लीजिए बाबू, बहुत संघर्ष है, योगी जी इस बात को सुनिए, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करिए। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत कर से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि ऐसा काम न हो सके। ठीक है, बहुत दिक्कत है जीवन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते बाबू।